नमस्कार, मैं हूं सौरभ, स्वर्णिम टाइम्स में आपका स्वागत है। 30 जुलाई से 10 अगस्त तक मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता हुई थी, जिसे दुबई के बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। प्रतियोगिता में भारत के अलग अलग राज्यों से कई सारे बच्चे भाग ले रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को भारत में वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के संस्थापक अनिल केजरीवाल जी लेकर आए। आइए सुनाते हैं कि अनिल केजरीवाल जी का क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल केजरीवाल अबू धाबी नेटवर्क एमिरेट्स से। हमने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया 4 महीने पहले, www.artscraft.co। ये प्लेटफॉर्म हमने हिंदुस्तान के और दुनिया के सभी कोने कोने से आर्टिस्टों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म देने के लिए इकट्ठा किया। आर्ट्स एंड क्राफ्ट की कहानी भी एक यूरेका मोमेंट जैसी है। ये कहानी स्टार्ट होती है करीब तीन साल पहले, जब मेरे मित्र हैं आर के कंठ जी पटना से, उन्होंने मुझे एक पेंटिंग गिफ्ट दी और ये तब से पेंटिंग मेरे पास है। तो चार महीने पहले करीब जब उनसे मेरी बात होती है, मैंने पूछा ये पेंटिंग किसने दी थी, क्या बनाया था और उनकी क्या स्थिति, क्या आजकल कहाँ है, क्या कर रहे हैं वो लोग। तो उन्होंने बताया कि अनिल जी इनकी स्थिति बहुत ख़राब है, बिकॉज की कोविड के कारण इनके काम नहीं है, नौकरी भी छूट गई है बहुत लोगों की। तो पता नहीं क्या, फिर उन्होंने उसके 15 दिन बीत गया मुझे फ़ोन किया कि जिन्होंने बनाया था उनकी स्थिति ख़राब है, कुछ हम आर्थिक मदद कर सकते हैं क्या। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कुछ आर्थिक मदद करी उनकी, कुछ पैसे भेजे। जब एक बार पैसे भेजे तो मेरी वाइफ ने पूछा कि ठीक है आपने एक बार पैसे भेज दिए, कोई बात नहीं, एक बार भेज देंगे, दो बार भेज देंगे, बट कब तक भेजते रहेंगे। तो क्यों नहीं ऐसा कुछ काम करना है, तो ऐसा काम करिए कि इनको एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल सके। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, उसका सडनली क्या होगा कि भाई दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं। सो दैट वाज द यूरेका मोमेंट फॉर मी, कि जब किसी ने बोला कि ये करना है तो हमने नेक्स्ट डे ही एक वेबसाइट रजिस्ट्रेशन कराई, कंठ जी से बात करी, उन्होंने भी सपोर्ट करने का वादा किया। उसके बाद से हमने धीरे धीरे ही मोमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद हमने सबसे पहले बिहार से, मधुबनी से, झारखंड से, सब जगह से कलाकारों को इकट्ठा करना शुरू किया। फिर धीरे 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 करके 1 से 10, 10 से 20, 20 से 50, ऐसे लोग इकट्ठा होते गए। फिर हमने सोचा कि अगर ये हम केवल हिंदुस्तान के लोग इकट्ठा करेंगे तो कलाकारों को ये नहीं समझ पाएगा कि हम उनका आर्ट दुनिया में किस आर्टिस्टों से कैसे डिफरेंस है। तो हमने दुनिया के अलग अलग कोनों से आर्टिस्टों को इकट्ठा करना शुरू किया। उनको जब हमने इकट्ठा किया, मोरक्को से, फिलीपींस से, पैलेस्टाइन से, वियतनाम से, थाईलैंड से, जॉर्डन से, धीरे धीरे लोग इकट्ठा होते गए। आज करीब करीब 200 लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, जो आर्टिस्ट एक दूसरे का काम देख सकते हैं, एक दूसरे के काम से लोग सीख सकते हैं। करीब हमने 20-25 दिन पहले एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया, इंडिया 75, जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के ऊपर में स्टार्ट होता है। उसके लिए हमने कौंसिल जनरल ऑफ इंडिया दुबई से बात करी, उन्होंने पूरे सहयोग का वादा किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी हमें स्पॉन्सरशिप दी, सो दैट कि उस इस आर्ट्स के प्लेटफॉर्म को एक मदद मिल सके। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ करीब 20 दिन पहले, जब हमने सभी लोगों से, दुनिया के सभी लोगों से इंडिया 75 के ऊपर हमने इंट्रीज मांगी। 20 दिनों में करीब करीब हमें 130-135 के आसपास इंट्रीज मिली। इंट्रीज मिलने के बाद हमने उसको एक प्लेटफॉर्म पर, वोटिंग प्लेटफॉर्म पर डाला, जो पिछले 4 दिनों से लगातार वोटिंग्स आ रही हैं। करीब करीब अगर मैं बात करूँ 2 या 3 दिनों में करीब करीब 10,000 से ज़्यादा लोग उस प्लेटफॉर्म पर वोट कर चुके हैं। अभी 2 दिन और बाकी है, 15 तारीख को ये वोटिंग समाप्त होगी, 16 तारीख को काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया दुबई इस विनर अनाउंस करेंगे। उसके बाद हम सभी लोगों को हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज एंड जूरी अवार्ड देंगे। उसके बाद जो पॉपुलर चॉइस अवार्ड होगा, जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे, उनको भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे करते करके हम आगे और भी इवेंट्स लाएंगे। कुछ इवेंट्स चिल्ड्रन डे के ऊपर में आ सकते हैं, क्योंकि मैं अबू धाबी से हूँ, तो अबू धाबी में भी एक 50 ईयर्स आने वाला है, तो UAE के दैट फॉर्मेशन के 50 ईयर्स के ऊपर में उस पर भी एक इवेंट करने वाले हैं। मैं सभी लोगों से, सभी दोस्तों से अनुरोध करता हूँ कि इस मोमेंट को, जो कि दिल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने किसी आर्टिस्ट से कोई पैसे कभी नहीं मांगे और आगे उनको हम सपोर्ट करने का वादा करते हैं कि उनके आर्ट्स फॉर्म सभी लोग खरीद सकें, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को हमें मदद करें, धन्यवाद। प्रतियोगिता में अपनी कलाकृति देने की अंतिम तारीख 10 अगस्त की थी। प्रतियोगिता के विजेता को वोटिंग के द्वारा चुना जाएगा। वोटिंग करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त तक है, इसके बाद 16 अगस्त को विजेता की घोषणा की जाएगी। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप भी www.artcrafts.co वेबसाइट पर जाएं और अपने पसंद की कलाकृति को वोट करें। प्रतियोगिता में सफल होने वाले प्रथम विजेता को 10,000, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 7,000
और तीसरे स्थान वाले को 5,000 और साथ ही 5,000 का जूरी अवार्ड भी दिया जाएगा। पच्चीस